किया था। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या वो सपने जो भीमराव अम्बेडकर ने देखे थे आज हमारे भारतवर्ष में पूरे हो रहे हैं? हो रहे हैं? मैं पूछना चाहती हूँ बहनों से, क्या वो आपके सपने पूरे हो रहे हैं जो भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाते समय ये सोचा था कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होगा? तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे जरूरी है व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। जो मतलब कानून बनाए गए थे उनका जनता तक पहुंचाना, उनका लाभ जनता को पहुंचना चाहिए। जो लाइन के अंतिम कतार में बैठा है, हमारे समाज का जो अंतिम आदमी है, उसका लाभ, विकास के लाभ उस आदमी तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज ये नहीं हो रहा है, इसलिए स्वराज इंडिया पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए पूरे हरियाणा में 90 सीटों पर लड़कर आपके सामने विकल्प प्रस्तुत कर रही है व्यवस्था परिवर्तन का। और रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से तीन मतलब प्रत्याशी उतरेंगे, कोसली से, बावल से और रेवाड़ी से। रेवाड़ी से हमारी बहन मंजू बाला जी उतर रही है स्वराज इंडिया पार्टी की प्रत्याशी। सीटें हमारी पार्टी का निशान है। इस सपने को पूरा करने के लिए हमें अपनी मुट्ठी बांधकर अपने हकों के लिए लड़ना आना चाहिए, सीखना चाहिए और हमें एक और जाना चाहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में दो शब्दों में कहना चाहूंगी, आज दो पर्व है, स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन। तो भाइयों, मैं कहती हूँ मंजू बहन की रक्षा करना, उसको बचाए रखना। आज राखी के त्योहार पर आपके गांव में ये पधारी हैं, इस गांव से मतलब इनकी रक्षा करना, ये वादा करना, आप अपने मन में ये संकल्प लेना कि इस गांव से मंजू बाला जी को जिता कर भेजेंगे। धन्यवाद।